अच्छी गहरी नींद के महत्व को वो व्यक्ति बखूबी समझ सकता है जो घंटों तक करवटें बदलता रहता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। रात को आंख बार बार खुलती रहती है, नींद गहरी नहीं हो पाती। सुबह उठने में बड़ी मुश्किल होती है, आलस्य बना रहता है, तरोताजा अनुभव नहीं करता है व्यक्ति, और ये आलस्य फिर दिन भर भी बना रहता है। नींद को बेहतर करने के लिए कई सजगताएं हैं, कई तरीके हैं, लेकिन इनमें एक विशेष जो सरल तरीका है और इफेक्टिव तरीका है वो आपके साथ आज मैं साझा कर रहा हूं, और ये है कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट। अगर आपने उनको ठीक तरीके से समझ लिया और प्रयोग किया तो 2-3 दिन के अंदर ही आपको प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे। 4-5 दिन में नींद और बेहतर हो जाएगी और 1 सप्ताह के अंदर ही आपकी नींद गहरी होनी शुरू हो जाएगी। आपको सजगता से इन बिंदुओं को समझना है, साथ में कुछ और सजगताएं हैं उनका आपको ध्यान रखना है और आप बड़े अच्छे प्रभाव देखेंगे। जब आप ये अभ्यास कर रहे होंगे जो हम आगे बताएंगे, इन अभ्यासों के बाद आपको टीवी फोन आदि का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है और लाइट को भी आप कम ही रखें, तेज लाइट में आप फिर नहीं जाएंगे और आप सीधा सो जाएंगे। सबसे पहले जो पॉइंट्स हम आपके साथ साझा करेंगे वो आपके हाथ के 3 पॉइंट हैं। अब किस तरीके से आपको इनको ढूंढना है ये समझें। पहला पॉइंट जो है वो आपकी जो ये कनिष्ठा सबसे छोटे वाली उंगली है, इससे इस प्रकार से आप नीचे आए और यहां पर आपको एक लाइन दिखाई देगी अपने हाथ में। इस लाइन पर ही ये पॉइंट है, इस लाइन से बिल्कुल नीचे यहां पर ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो आपकी ये बीच वाली उंगली है, इस उंगली के साथ आएंगे और यहां पर इसी लाइन पर, जो ये लाइन है इसी लाइन पर नीचे, ये आपका यहां पर दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये अंगूठे के साथ यहां पर आप आएंगे और ये जो आपका है यहां पर, ये आपका तीसरा पॉइंट है। तो 1, 2, 3, ये 3 यहां पर आपको पॉइंट मिलेंगे। अब इनका प्रयोग आपको कैसे करना है ये समझें। सबसे पहले आपको 30 बार एक एक पॉइंट पर, यानी कि इस पे भी 30 बार, इस पे भी और इस पे भी, इस तरीके से दबाना है। ये जो दबाव है ये थोड़ा सा तीव्र होना चाहिए, इस तरीके से 30 बार आपको पंप करना है। ये दबाने के बाद, इसके बाद आपको इस तरीके से सर्कुलर, इस तरीके से इस पॉइंट की मसाज करनी है। ये इस तरीके से रहेगा। इतना करने के बाद आपको इस पॉइंट को दबाना है और दबा करके 30 सेकंड तक रखना है, फिर छोड़ देना है। फिर से दबाना है और 30 सेकंड तक दबा करके रखना है, छोड़ देना है, और फिर से दबाना है और 30 सेकंड तक दबा करके रखना है। इस तरीके से ये आपने पहले बिंदु पर काम किया। इसके बाद दूसरा बिंदु, उस पर भी पहले पंप करेंगे, फिर मसाज करेंगे और फिर 3 बार 30-30 सेकंड के लिए दबा करके रखेंगे। इसी प्रकार से ये अंतिम बिंदु, इस पर भी इसी तरीके से आपको दबाव बनाना है। इन तीनों बिंदुओं का आपको ये इस तरीके से प्रयोग करना है। इस हाथ का, बिंदुओं का प्रयोग करने के बाद आप दूसरे हाथ पर चले जाएं और जहां इस हाथ पर हमने बताया है, इसी प्रकार से इस हाथ पर भी आपको इन तीनों बिंदुओं को दबाना है, इसी तरीके से प्रयोग करना है। ये बिंदु विशेष उपयोगी रहेंगे आपके लिए, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स भी करेंगे और आपको एक विश्रांति की स्थिति में पहुंचाएंगे। इस प्रकार का प्रभाव रहेगा कि नींद बेहतर होनी आपकी शुरू हो जाएगी। ये हमारे पहले बिंदु हुए। दूसरे स्थान पर जो यहां पर बिंदु का प्रयोग करना है वो है आपकी भौहों के मध्य में। ये बिंदु भी बहुत ही इफेक्टिव कहा गया है आपकी नींद के लिए। तो दोनों भौहों के मध्य में आज्ञा चक्र भी इस स्थान को कहा जाता है, भ्रुकुटी में। तो यहां पर आपको दबाव बनाना है। इस स्थान पर आप इस तरीके से दबाव बनाएंगे और आपको इस तरीके से राउंड में घुमाते जाना है, इस प्रकार लगभग 30 सेकंड तक क्लॉकवाइज, 30 सेकंड तक एंटी क्लॉकवाइज आपको इस पॉइंट को दबाना है। इस पॉइंट का जो प्रयोग है आपको लगभग 3 मिनट तक करना है। इस पॉइंट के बाद अब हम अपने आगे के एक पॉइंट को समझते हैं। ये जो पॉइंट है ये आपके कान के पीछे इस स्थान पर आपको मिलेगा।
यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो ये गड्ढा है कान के पीछे आपके, इससे बिल्कुल आगे, थोड़ा सा इससे आगे यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक बोन दिखाई देगी। इस बोन के बिल्कुल नीचे की तरफ, बिल्कुल इस बोन के नीचे यहां पर आपको ये दबाव बनाना है। अपेक्षा है आपको ये ठीक से समझ आ गया होगा। इस पॉइंट पर आपको दबाव बनाना है और छोड़ना है, बनाना है और छोड़ना है, बनाना है और छोड़ना है। और इसके बाद आपको यहां पर इस तरीके से जो है मसाज इस पॉइंट पर करनी है। इस तरीके का आपका ये अभ्यास रहेगा। आपको लगभग 30 बार पंप करना है और उसके बाद सीधा आपको इस तरीके से मसाज करनी है। लगभग 2-3 मिनट तक आप इन दोनों पॉइंट्स का प्रयोग करेंगे, दोनों तरफ एक साथ आपको ये करना है जिस तरीके से अभी हम कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये भी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। तो बस इस तरीके से आपको दोनों हाथों में, आपको जो दोनों भौहों के मध्य में है ये, और कान के पीछे के जो ये दो पॉइंट हैं, इनका इस तरीके से प्रयोग करना है। अब इसके तुरंत बाद आगे बढ़ते हुए आपको क्या करना है ये समझें। पहले आपको एक श्वसन की विधि को अपनाना है। इसमें आपको कमर गर्दन को सीधा करके बैठ जाना है। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन में आप बैठ जाएं। उसके बाद आपको धीरे धीरे बिल्कुल धीमा सांस को अंदर भरना है। सांस अंदर भर रहे हैं तो पहले आपका पेट बाहर की तरफ आएगा और उसके बाद आपकी छाती फैलेगी। छाती में आप प्राणवायु को संचित करेंगे, उसके बाद आप सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो पहले छाती से सांस बाहर चला जाएगा और उसके बाद पेट का संकुचन होगा और पूरा सांस बाहर आएगा। एक बार देख लें कि किस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से आपका ये श्वसन रहेगा। 4-5-6 मिनट तक आपको इसी प्रकार से सांस लेनी है। और इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, इसके तुरंत बाद आंखें बंद कर लें, सहज इसी स्थिति में बैठे रहें और अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष को देखें। जीवन में जो भी कुछ आपको बेहतर मिला है उसको देखें। आपके मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ देर आप अनुभव करें, ईश्वर से उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। उसके बाद आपको अगर कोई गुरु प्रदत्त नाम मिला हुआ है तो उस नाम का आप उच्चारण करें, मन ही मन, बोलने की आवश्यकता नहीं है, मन ही मन आप उस नाम को लें। या फिर आप अपने आंखों को बंद ही रखें और अंतः आकाश में भगवान की एक छवि को बनाएं अपने मन के अनुसार, जैसी आपकी इच्छा हो, जितना बेहतर जितना सुंदर स्वरूप आप बना सकें, अंतः आकाश में एक स्वरूप बनाएं और उस पर ही अपने ध्यान को टिकाएं। इसे स्वरूप ध्यान कहा जाता है। इस प्रकार से आप जब एकाग्रता को बनाए रखेंगे, एक सकारात्मकता स्वाभाविक ही आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी और बहुत सहज बहुत शांत आप अनुभव करेंगे। इसी स्थिति में आप 4-5-10 मिनट तक रुकना चाहें रुकें और उसके बाद इसी सकारात्मक भाव के साथ, इसी दृष्टिकोण के साथ, इसी अनुभव के साथ आप सोने के लिए चले जाएं। इसके बाद प्रयास करें कि कोई बात नहीं, आप फोन का, टीवी का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई उत्तेजक विचार आपके मन में ना आए इस बात का आप प्रयास करें और आप सोने के लिए चले जाएं। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि पहले दिन से आप अच्छा अनुभव कर सकते हैं। बस जिस क्रम में हमने बताया उस क्रम में आपको सब चीजों को करना है, ठीक से आपको सब चीजों को करना है। तो निश्चित रूप से पहले दिन से प्रभाव होंगे और जब आप निरंतर ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये लाभ बढ़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे बहुत ही सुंदर प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए आपके लिए हमारा यही मार्गदर्शन था। अपेक्षा है कि ठीक प्रकार से पूरा विषय आपको समझ आ गया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन होता रहेगा।
सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।